हाइड्रेशन हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन के लिए ही नहीं पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इसलिए पानी पी के बॉडी को तो हाइड्रेट कर लेते हैं पर बाहर से कैसे हाइड्रेट किया जाए उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक अच्छी सी क्रीम यूज़ करना जो आपके स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करे कोई ऐसी जेल या मॉइस्चराइजर यूज़ करना आज की वीडियो में एक ऐसे ही जेल का रिव्यू करने वाली हूँ जो क्लेम करता है कि ट्वेंटी आवर्स तक आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा वो है ये काया uh, यूथ का एलोवेरा जेल जो कि 99% परसेंट एलोवेरा से मिलके बना हुआ है दिस प्रोडक्ट इज क्राफ्टेड बाय डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि बहुत अच्छी बात है पैरविल्स फ्री है कोई भी हार्मफुल केमिकल यूज नहीं किया गया है इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो कुछ ऐसी पैकेजिंग में आता है और ये 50 ग्राम का पैक है एक हंड्रेड ग्राम का पैक भी अवेलेबल है इसके प्राइस की बात करूँ तो इसका प्राइस वन फिफ्टी रुपीज़ है पर ये मुझे सिर्फ एटी नाइन रुपीज़ में मिला क्योंकि इस पर अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं ये मैंने नायका से परचेज़ किया आप नायका से अमेजोन से कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हैं ये जो जेल है ये नॉन स्टिकी जेल है लाइट वेटेड जेल है बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन पर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कुछ लगाया भी है मॉइस्चर को अच्छे से लॉक करके रखती है तो ये सारी चीज़ें ये जेल करती है एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स की बात करूँ तो उसके तमाम बेनिफिट्स हैं ऐसे ही इस जेल के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे इसको लगाने के बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लगेगी क्लियर स्किन प्रोवाइड करता है हेल्दी स्किन प्रोवाइड करता है बहुत अच्छे से डीपली ये हाइड्रेट करता है स्किन को बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र का ये काम करता है ये जेल और सनबर्न की प्रॉब्लम को दूर करता है कूलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें इसलिए एक्ने अगर आपके स्किन पर तो उनको भी जेल को आप कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं अब ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इसको बालों पर भी यूज़ कर सकते हो तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इसको बालों पर यूज़ करना चाहिए या नहीं पर आप इसको आफ्टर शेविंग लोशन की तरह यूज़ कर सकते हैं जैसे बॉयज़ आ, शेविंग करते हैं तो उसके बाद यूज़ कर सकते हैं गर्ल्स जो भी रेज़र यूज़ करती हैं तो इसको लगा के अपने रेज़र को यूज़ करेंगी तो बहुत अच्छे से हेयर रिमूव हो जाते हैं और क्रैक्ड हील्स का प्रॉब्लम है उसको भी ये दूर करता है सनबर्न की प्रॉब्लम है उसको भी दूर करता है तो ऐसे आप इसको कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो फेस पैक में मिक्स करके यूज़ कर सकते हैं या इसमें भी आप कुछ भी एसेंशियल ऑयल्स या जो भी मिक्स करके आप यूज़ करना पसंद करते हो एलोवेरा जेल में तो इस जेल के साथ भी वो सारी चीज़ें आप कर घर तो से बात करेंगे इसके इन्ग्रीडियट्स के बारे में कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं तो अच्छी बात यह है कि जो कुछ भी यूज़ किया गया है वो सारा मैंशन है कोई भी चीज़ें हाइड नहीं की गई हैं ये मिलकर बना हुआ है एक्वा मतलब वाटर है इसमें एलोवेरा लीफ का जूस यूज़ किया गया है एलोवेरा की जो स्पीशीज़ यूज़ की गई है वो है बर्बरडेंसेज जो कि बहुत अच्छी होती है स्किन के लिए ये जो स्पीशीज़ है स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट में ही यूज़ की जाती है अब आपने देखा होगा कि घर पे प्लांट तो होता है पर कई बार स्किन के लिए हेयर के लिए काम ही नहीं करता वो इसलिए क्योंकि वो स्पीशीज़ है ही नहीं स्किन के लिए इसमें यूज़ की गई है नीम लीफ और इसमें कैस्टर ऑयल भी यूज़ किया गया है इसमें क्यूकुम्बर एक्सट्रैक्ट भी यूज़ किया गया है बाकी जो सारी चीज़ें इसमें यूज़ की गई हैं वो इतनी ज़्यादा बड़े बड़े नाम हैं उनके कि मैं सारा स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी पर वो जो सारी चीज़ें इसमें आ, मिक्स की गई हैं वो कुछ परफ्यूम्स हैं मतलब फ्रेग्रेंस के लिए यूज़ किए गए हैं कुछ कलर्स के लिए यूज़ किए गए हैं कुछ हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं ऐसी चीज़ें यूज़ की गई हैं कुछ एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए यूज़ की गई हैं कुछ में ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ हैं इसलिए यूज़ की गई हैं मतलब सारी चीज़ें सेफ हैं और कुछ ना कुछ उनके ऐसे काम हैं इसलिए वो यूज किए गए हैं इसके टेक्सचर की बात करूँ तो काफ़ी लिक्विड की तरह इसका टेक्सचर है मतलब जैसे सीरम होता है ना वैसा ही इसका टेक्सचर है फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है मतलब बहुत ही ज़्यादा है तो अभी कुछ दिनों से ये जेल मैं यूज़ कर रही हूँ पहले तो मैंने काफ़ी दिनों तक यूज़ भी नहीं की थी क्योंकि मुझे लग रहा था इतनी सारी चीज़ें इसमें हैं तो ऐसा ना हो स्किन के लिए कुछ प्रॉब्लम हो जाए स्किन पे। पर जब से पता चला कि सारी चीज़ें सेफ़ है तब से इसको यूज़ कर रही हूँ तो जब आप इसको स्किन पे लगाते हो बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है सच में पता नहीं चलेगा कि कुछ लगाया है हाइड्रेशन काफ़ी टाइम तक प्रोवाइड करता है एक और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस जेल की लगी वो ये कि मैंने आज तक कोई भी ऐसी इतनी नॉन स्टिकी जेल यूज़ ही नहीं की क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है जब भी मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ लगाती हूँ पर कुछ देर बाद चिपचिप करने लगता है तो टिश्यू पेपर से ऑयल रिमूव करती हूँ या फ़ेस वॉश करना पड़ता है पर इसको लगाने के बाद चार से पाँच घंटे आपको बिल्कुल भी चिपचिप -चिप नहीं लगेगा बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा फ़ेस पे तो ये सबसे अच्छी बात है तीन चार सेकंड के बाद ही मतलब पता ही नहीं चलेगा कुछ लगा भी स्किन पे कि नहीं बहुत जल्दी सॉल्व हो जाती है कूलिंग इफ़ेक्ट देता है ये जेल तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको लगाने के बाद अब बात करूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या हुए मेरे स्किन पे तो मुझे लगता है कि आठ से दस दिन में कोई भी एलोवेरा जेल सिर्फ आपको हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकती है और एक्ने पिंपल ये सारी चीज़ों पे इतनी जल्दी कुछ काम नहीं करती अगर हाँ आप इसमें एसेंशियल ऑयल्स वगैरह मिक्स करके लगाओगे तो हो सकता है ये जल्दी काम करे पर ये बहुत अच्छे से स्किन को हाइड्रेट करता है आप इसको एज अ मॉइस्चराइज़र बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं डे डे में भी यूज़ कर सकते हैं नाइट में भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं एक्ने प्रोन स्किन है तब भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी स्किन पर हार्मफुल इफेक्ट नहीं होंगे बल्कि धीरे धीरे आपके पिम्पल की प्रॉब्लम को कम ही करेगा तो मुझे ये जेल बहुत अच्छा लगा वैसे मैं प्रेफ़र करती हूँ कि ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करूँ पर क्योंकि मैं बहुत सारी मेडिकेटेड चीज़ें भी यूज़ करती हूँ उनमें केमिकल्स होते ही हैं तो पहले मैं कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले उसकी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स uh, देखती हूँ कि इसमें क्या क्या है इन पर कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे इसको लगाने के बाद हाँ अगर आपकी स्किन पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है या बहुत ही ज़्यादा पिम्पल uh, हो रखे हैं कुछ मतलब सीरियस प्रॉब्लम चल रही है तब आप इसको यूज़ ना करें पर माइल्ड एक्ने हैं तब आप इसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं और अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स बॉक्स में इसकी लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप इसको परचेज कर लीजिए तो एवरी डे मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती करती हूँ वो किसी भी तरह से करूँ तो मुझे बहुत पसंद है एलोवेरा जेल यूज़ करना और अभी तक पतंजलि का यूज़ कर चुकी हूँ और खादी का यूज़ कर चुकी हूँ वाव का यूज़ कर चुकी हूँ पर ये जो जेल है काफ़ी अफोर्डेबल है उसके हिसाब से काम बहुत ज़्यादा अच्छा करता है तो मैं कहूँगी बिल्कुल एक बार आपको इसको ट्राई ज़रूर करना चाहिए तो आई होप आज का ये जो रिव्यू है आप लोगों को पसंद आया होगा पसंद आया है तो क्या करना है आपको जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा जिससे जब भी मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय